देख लीजिए क्या लिख दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है। ऐसे है ना, यही प्रॉब्लम हॉस्टल के बारे में पूछते, यही प्रॉब्लम टैक्सी के बारे में पूछते, यही प्रॉब्लम आपको अलग अलग फेयर के मामले में पूछते, तो ऐसा ही प्रॉब्लम है। व्हाट इज दिया है यहाँ पे, लिखे प्रॉब्लम, और टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ, टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ, अब फिक्स चार्ज अलोंग विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी को एक फिक्स चार्ज रहेगा अलोंग विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज दैट इज डिपेंड ऑन चार्ज ऑन डिस्टेंस कवर्ड। तो दिस फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑन डिस्टेंस कवर्ड ऐसा रहता है। तो देखिए क्या दिया है, 14 किलोमीटर हाउ मेनी रुपीज पेड, 105 रुपीज। फॉर 15 किलोमीटर 155। सिंपल प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को दूसरी तरह से भी होस्टल चार्ज है तो आपको पूछा है कि हाउ मच टू बी पेड फॉर डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर, 25 किलोमीटर। सो इसका एक इक्वेशन बनेगा, इसका एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक फिक्स चार्ज, लेट अस टेक फिक्स चार्ज रुपीज एक्स। मतलब आपको किसी भी टैक्सी में बैठना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा ही दूर जाना है तो आप ऐसा बोलोगे कि 1 ही रुपए देंगे, 2 रुपए बोल देंगे। आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फिक्स चार्ज देना होता है कहीं पे भी जाना रहा तो। और उसके बाद जैसे आपने 1-7 दिन का टैक्सी कर लिया, सपोज टैक्सी का फेयर है आज दिन भर के लिए बुक कर लिया, तो आपको गाड़ी खड़ी भी रखेंगे तो फिक्स चार्ज आपको देना ही होता है। सपोज 1000 में आप फिक्स कर दिया तो आपको 1000 रुपीज देना ही है। एडिशनल आपको देना होता है कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं माइलेज चार्ज, ठीक है ना। सपोज एक टैक्सी को आपने 700 में बुक किया और आप दिन भर में खाली 1 ही किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का रेट यदि 20 रहा तो आपको 1 किलोमीटर के लिए 700 प्लस एडिशनल 720 देना पड़ेगा। यदि आपने दिन भर में 2 ही किलोमीटर गए तो आपको 740 रुपीज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो क्या होता है कि हर एक टैक्सी हो कुछ भी हो ये फिक्स चार्ज लेती है। आपको ऑटो में बैठ गए तो कुछ फिक्स चार्ज रहता है कि आप बैठ गए तो फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद सक्सेसिव किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। फिक्स चार्ज रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड रुपीज वाई। तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, फिक्स चार्ज है एक्स और कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज एक्स है, तो ये 10y हो गया, 10y = 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिक्स चार्ज रुपीज एक्स प्लस 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। दिस इज एक्स प्लस 10y = 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर 15 किलोमीटर अगेन फिक्स चार्ज एक्स एंड 15 किलोमीटर चार्जेस पर किलोमीटर चार्जेस वाई, देन 15y = 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। = 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मीन्स वी हैव टू चेंज ईच वैल्यू, देन दिस एक्स एक्स गेट कैंसल, 15y - 10y = 5y। 155 में से 105 माइनस किया तो 50 बचा, तो y = 50/5 rupees 10। व्हाट इज दिस rupees 10? rupees 10 इज द चार्ज पर किलोमीटर, rupees 10 इज चार्ज पर किलोमीटर। ये पर किलोमीटर चार्ज, फिक्स चार्ज निकलना बाकी है। दिस इज चार्ज
पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, एक किलोमीटर का चार्ज है ₹10। अभी हमें क्या करना है, ये y एक्सपेंड करना है, तो हम इसमें पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, x प्लस 10y इक्वल टू 105। व्हाट इज y? y इज 10, y इज 10 इज इट इज 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, मीन्स x इक्वल x प्लस 100 इक्वल टू 105, मीन्स x इक्वल टू 105 माइनस 100, दैट इज ₹5। तो फिक्स चार्ज था ₹5, हाउ मच फिक्स चार्ज, ₹5। तो हमें तो दोनों भी चाहिए, फिक्स चार्ज भी चाहिए और चार्ज पर किलोमीटर भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज पर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पड़ेगा, फॉर 25 किलोमीटर हाउ मच चार्ज, 25 किलोमीटर के लिए आपको एक्स प्लस 25y फाइंड करना पड़ेगा, फॉर 25 किलोमीटर हाउ व्हाट व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक्स प्लस 25, एक्स प्लस 25y, एक्स प्लस 25y ये फाइंड करना पड़ेगा, एक्स प्लस 25y, एक्स इज 5 रुपीज एंड 25y इक्वल टू 10, मीन्स इट इज 5 रुपीज फिक्स चार्ज प्लस 250, दैट इज इक्वल टू ₹255। सो दिस इज ₹255 इज दी टोटल फेयर फॉर, टोटल फेयर फॉर इट इज फिक्स, इट इज चार्ज फॉर, इट इज चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। क्लियर हुआ प्रॉब्लम? ऐसे एक दो प्रॉब्लम आपको, एक वन अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली इज कॉन्स्टेंट, पार्ट ऑफ मंथली फैमिली एक्सपेंसेस कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन, डिपेंड रिमेनिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ व्हीट, रिमेनिंग ऑन द प्राइस ऑफ व्हीट, प्राइस ऑफ व्हीट, ये दो चीज है, एक फैमिली का एक्सपेंसेस कॉन्स्टेंट है प्लस रिमेनिंग डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ व्हीट। अब दो कंडीशन दिए है, व्हेन व्हेन रेट ऑफ व्हीट इज, रेट ऑफ व्हीट इज 250 पर क्विंटल, रेट ऑफ व्हीट इज रुपीज 250 पर क्विंटल, द टोटल मनी एक्सपेंस, टोटल मनी एक्सपेंस रुपीज 1000, टोटल मनी एक्सपेंस रुपीज 1000 एंड व्हेन रेट ऑफ प्राइस, रेट ऑफ व्हीट पर क्विंटल इज रुपीज 240, इट्स एक्सपेंसेस इज 980 रुपीज। आपको पूछा है कि फाइंड द मंथली एक्सपेंसेस व्हेन कॉस्ट ऑफ व्हीट इज 250 पर क्विंटल, 350 पर क्विंटल, समझ रहे प्रॉब्लम को? चलो देख लीजिए, इसके पहले जैसे प्रॉब्लम है, इसके पहले जैसे प्रॉब्लम है, व्हाट इज गिवन, द फैमिली एक्सपेंस डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ फिट, तो फैमिली क्या करती है, कुछ फिक्स चार्ज, फिक्स उनका कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस है, लिखे लेट द कॉन्स्टेंट एक्सपेंस ऑफ फैमिली, लेट द कॉन्स्टेंट एक्सपेंस ऑफ फैमिली इज एक्स, लेट द कॉन्स्टेंट एक्सपेंस ऑफ फैमिली रुपीज एक्स, एक्स है कॉन्स्टेंट एक्सपेंस एंड वाई, y is the expense, y is the expense, y is the expense per kilometer, per quintal, y is the expense per quintal, y is the expense per kilometer on the wheat, ये fix है और per quintal पे y इतना expense है, मान लीजिए पर y पे कितना second कितना है, ठीक है ना, पर क्विंटल 250 है यहाँ पे तो अलग रहेगा, सो वाई इज द एक्सपेंस पर क्विंटल ऑन द व्हीट, सो पहला कंडीशन क्या है, फिक्स एक्सपेंस है एक्स और पर क्विंटल चार्ज कितना है 250 है, पर क्विंटल चार्ज कितना है 250 है और आपका फिक्स ऑन एक्सपेंस पर किलोमीटर
पर क्विंटल एक्सपेंस है सपोज वाय, तो ये कंजम्पशन है वाय, कांस्टेंट है और पर कंजम्पशन है सपोज वाय उस फैमिली का, पर मंथ कंजम्पशन है वाय, तो उसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा एक्स, और वीक पे 250 क्विंटल के हिसाब से वाई इतना कंजम्पशन है उनका, ये एक्स फिक्स चार्ज है और ये वाई जो है इट इज द वीक कंजम्पशन, तो इतना कितना आ रहा है खर्चा 1000 पे, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। दूसरा है कि यदि रेट 240 रहा, रेट 240 रहा पर क्विंटल का, तो वीट पे वीट पे जो वीट पे एक्सपेंसेस हो जाएगा 240, सो दिस इज व्हाट से 980। नाउ दिस आर द टू इक्वेशन फिर से देख लीजिए, दिस इज रेट ऑफ वीट पर क्विंटल, दिस इज रेट ऑफ वीट पर क्विंटल, इट इज फिक्स चार्ज, इट इज नेसेसरी चार्ज, एकदम कांस्टेंट है ये, और ये पर क्विंटल के हिसाब से, सपोज फैमिली का कंजम्पशन वाई इतना क्विंटल है मंथली वाई इतना कंजम्पशन है, तो 250 के हिसाब से उसको खर्चा आएगा 250 वाई, 240 का रेट है पर क्विंटल, देन एक्सपेंस ऑन वीट आ जाएगा 240 वाई, तो ये दो इक्वेशन हो गए, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 250 वाई इक्वल टू 100, और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस 240 वाई इक्वल टू 980, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो इधर आ गया 20 आ गया, ये कितना हो गया 10y इक्वल टू 20 मीन्स y इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2, व्हाट इज दिस 2, टू इज द 2 क्विंटल कंजम्पशन, इसका मतलब एक कंजम्पशन कितना उस फैमिली का कंजम्पशन है 2 क्विंटल, ये क्विंटल क्वांटिटी है, ये y इतना कंजम्पशन करती है, दिस y इज कंजम्पशन ऑफ वीट इन क्विंटल्स, तो 2 क्विंटल कंजम्पशन करती है, हमें कितना एक्सपेंसेस निकालना एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली का एक्सपेंसेस, देन रेट ऑफ वीट रुपीज 350 पर क्विंटल, जब 350 पर क्विंटल होना है रेट, तब कितना एक्सपेंस रहेगा, तब एक्सपेंस रहेगा एक्स प्लस 350 वाई, एंड हाउ मेनी कंजम्पशन ऑफ वीट इज देयर, कंजम्पशन ऑफ वीट कितना है 2 क्विंटल है, मीन्स एक्स इज, बट इट यहाँ पे एक्स तो निकाला ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्स फाइंड करिए, वाई इतना, तो ये एक्स प्लस 250 वाई इक्वल टू 1000, एक्स कितना 500 निकला, हाँ तो यहाँ पे ये हो गया एक्स प्लस 250 वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 500 इक्वल टू 1000 मीन्स एक्स इक्वल टू 1000 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 500 मीन्स फिक्स चार्ज उसका 500 है, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स 500 है, ये तो फिक्स चार्ज है 500, और 350 ये पर क्विंटल का रेट है, कितना कंजम्पशन करता है 2 क्विंटल, तो 500 प्लस 700 रुपीज 1200 एक्सपेंस होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, क्लियर है कि नहीं, चलो मुझे खाली एक इक्वेशन ही खाली बता दीजिए, मुझे ये मुझे सॉल्व मत करा दीजिए, खाली एक इक्वेशन बता